देखिए सात सीट है क्या रहेगा। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता फिर से वैसे ही पिसने जा रही है, बहुत बढ़िया, जैसे आज से पांच साल पहले पिसने के लिए तैयार थी। इन्होंने जिस तरह से 15-15 लाख रुपए देने का एक चुनावी जुमला लगाया था, उसी तरह से फिर से वो 10% का जो आरक्षण है उसको फिर से इम्प्लीमेंट किया। पता है कि जनता कैसी है, जनता फिर से बहकावे में आ जाएगी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं गरीबों के लिए आरक्षण लेके आए हम लोग। नहीं, वो कोई भी राजा जो होता है जिसको टैक्स लेना पड़ता है, राजा मैं इसलिए कहूंगा कि जिस तरह से वो गरीबों की बातें करते हैं और बताते हैं कि वो बहुत गरीब घर के हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर उनके हम पूरे जीवन चरित्र पे देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा डिसीजन लिया जिससे गरीबों को कोई लाभ हुआ, तो हमें निराशा हाथ लगती है। नोटबंदी की लाइन में 106 लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए, किसी की बिटिया की शादी हो रही थी पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, किसी का ऑपरेशन हो रहा था पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। मेरे लोग का दुकान हटा दिया और अभी मैं हाथ में अपने बच्चे को पालने के लिए रखती हूँ, तो दलाल से अजीम दलाल है जो 80,000 रुपया इंस्पेक्टर को देता, अब 5 औरत को बैठाया, दलाल की औरत बैठी है, अजीम दलाल है, और मेरा माल रोड पर छीना, जबरदस्ती पूरा माल छीन के ले गया, और कुछ नहीं, कोई NDMC का बड़ा कर्मचारी कोई नहीं कुछ कहता, समझ गए, बैग बेचते। स्मार्ट सिटी पता है क्या है सर? स्मार्ट सिटी वो है जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो अहमदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन कर रहा था, जो आज तक नहीं बनी है, वो है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी पता है क्या, असल में स्मार्ट सिटी भी वही एक जुमला है जो सबके साथ में दिया गया, एक पैकेज बना के ले आए हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये देंगे, पर वो हुआ नहीं है। असल में क्या हुआ है, स्मार्ट सिटी क्या है, कुछ नहीं है, न बुलेट है। असल में क्या है, जितनी भी ट्रेन अभी चलती है ना, अगर उनके टाइम ही ठीक कर दिए जाएं, तो हमें असल में बुलेट ट्रेन की जरूरत ही नहीं है। आप बेसिक चीज